अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन कराम, इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान के बीच में जो सवाल और जवाब हुआ था उसका एक मुख्तसर सा वाक़या पेश करने वाले हैं, ताकि आपके भी ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए। और वाकई ये जो सवाल और जवाब थे, जो शैतान के सवाल पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, वो आने वाले तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, 2-3 मिनट की ही वीडियो है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दफ़ा शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपका अकीदा और तकदीर है कि इंसान को वही पेश आता है जो अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक। तो शैतान ने कहा अच्छा, ज़रा इस पहाड़ से अपने आप को गिरा कर देखें, अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में सलामती लिख दी है तो फिर सलामत ही रहेंगे। मुहतरम सामईन कराम, शैतान के सवाल पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो वाकई जवाब सुनने के लायक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ मलऊन, ऐ शैतान, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही को ये हक हासिल है कि वो अपने बंदों का इम्तहान ले, बंदे को ये हक नहीं कि वो खुदा अज़्ज़ा वजल का इम्तहान ले। मुहतरम सामईन कराम, हमारे लिए गौर करने और सोचने का मकाम है कि शैतान हमारे ईमान पर किस किस तरह से हमला करता है। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो याद रखें कि हमारे ईमान ख़राब हो जाएंगे, और हमें मालूम भी ना होगा कि हम ईमान वाले हैं या गैर ईमान वाले हैं। वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और नबी भी थे, जो शैतान की बातों को ये सुनकर समझ गए कि बेशक ये शैतान और मलऊन है। मेरे मुहतरम सामईन कराम, हमारे ईमान अभी इतने मजबूत नहीं है हम उन शैतानों के उन बातों को भी समझ जाएं जो हमारे शक्लों में आकर हमारे शक्लें इख्तियार करके हमारे तरफदारी कर रहा है या हमें ईमान से दूर कर रहा है। मुहतरम सामईन कराम, ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक एक अच्छी मालूमात और एक नई मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।